नमस्कार। यहाँ पे मंडल प्रधान हमारे सिराज मंडल के जनरल सेक्रेटरी जी बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे। आप सबको नमस्कार। हमारा यहाँ आने का ये मकसद है सर, पार्टी में मुझे 5 साल हो गए, 5 साल से मैं पार्टी में काम कर रही हूँ और 2 बारी में मंडल प्रधान बनी हुई। यहाँ पे हमें आदेश दिया गया था पूरी टीम बनाने के लिए, पूरे ग्राउंड लेवल पे टीम बनानी थी, बूथ प्रेसिडेंट बनाने थे, वो सब मैंने कंप्लीट किए। वो बना के सब मैंने ऊपर अमित वर्षा जी को, डिस्ट्रिक्ट जो हमारी प्रेसिडेंट है, उनके लिए भेज दिए थे। अचानक से होता है कि हमारे इलेक्शन आ जाते हैं, डीडीसी के इलेक्शन आ जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि ये रिजर्व हो जाती है, हमारी कास्तिकगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाते हैं। 33% कोटा मोदी जी ने महिलाओं के लिए रखा था। ऊपर से आदेश दिया जाता है कि जो भी वर्कर होगा, जो भी कैंडिडेट होगा, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसी को टिकट मिलेगी, बाकी बाहर से किसी को भी टिकट नहीं मिलेगी। ये पार्टी का आदेश था। सब लोगों की कहने के मुताबिक सबने फोर्स किया कि आप कर सकते हैं फाइट, आप उठ जाइए, आप करिए, अपना पक्ष रखिए। अपने बारे में बोला गया कि आप भी अपना पक्ष रखिए। सर हम भी मैंडेट के लिए गए, हमको भी बोला गया कि चलो ठीक है, हो सकता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से 3 नाम जाने थे, मंडल प्रधान जी के पूरे बूथ प्रेसिडेंट को पूछ के 3 नाम जाने थे। मेरा फर्स्ट नंबर पे पहली प्रायोरिटी मुझे दी गई। सब लोग मुबारकबाद देने लगे कि चलो जी आपका पहला नाम आ गया, आपकी जीत हो जानी है, सीट पक्की है आपकी। जब जम्मू में जाके वो कन्फर्म होना था, मैंडेट मिलना था, 3 कैंडिडेट यहाँ से जाते हैं, वहां पे जाके जो 3rd नंबर वाला है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। सर जो कि बीजेपी में है भी नहीं, उनका कोई, उनके जो साथ में है जितने भी रिशपाल जी हैं वो एंटी बीजेपी काम करते हैं, एंटी बीजेपी उन्होंने किया था। पिछली बार हमारे जो बीडीसी इलेक्शन थे वहां पे भी हमने सीट आ रही थी उन्हीं की वजह से। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया कि आप आज भी उनका टाई अप है यहाँ के बीडीसी जो चेयरमैन है उनके साथ, हालांकि वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। वो उस टाइम की बात सर, उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन अब जो कैंडिडेट दिया जाता है वो उनको दिया जाता है और हमें किसी ने पूछा भी नहीं, ना ही मंडल में हमसे बात की किसी ने, महिला मोर्चा की तरफ से किसी को पूछा भी नहीं गया कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो, या आपके मन में क्या है, आप क्या करना चाहते हो, किसी ने भी हमसे नहीं पूछा। बाद में मंडेट पहले तो मुबारक देते हैं कि हाँ जी आपका नाम आ जाता है, आपको मुबारक है, वैसे आधे घंटे के बाद अनाउंस करते नहीं जी आपका नाम नहीं है, मंडेट किसी दूसरे को दिया जाता है। सर इसी वजह से हम ये पार्टी को रिजाइन दे रहे हैं। जब हमारे वर्करों को पूछा नहीं जाता, ग्राउंड लेवल पे जितने हमारे बूथ प्रेसिडेंट है, मंडल प्रधान जी है, जनरल सेक्रेटरी जी हैं, इनकी मर्जी के मुताबिक अगर मैंडेट मिला ही नहीं किसी को तो हमें ये पार्टी नहीं चाहिए। आज से हमारा इस पार्टी से रिजाइन। तो आप बीजेपी पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं? बिल्कुल जी रिजाइन कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसी पार्टी। जब कार्यकर्ताओं की कोई बात सुने ना फिर ये पार्टी किस नाम की है, ये पार्टी फिर नाम की है, किसी का काम के है ही नहीं है, इसलिए हमारा रिजाइन है इस पार्टी में। बीजेपी का टिकट कटने के बाद अब क्या आप किसी पार्टी से या आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? हाँ, पार्टी का टिकट कट गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे जितने भी ये मंडल की टीम मेरे साथ है, मैं इनका विश्वास तोड़ने नहीं दूंगी। अब मैं ओपन चैलेंज करती हूँ शक्तिराज परिहार जी को कि अब वो आ जाए। वो कह रहे थे एक बंदे के लिए इनके, मतलब मेरा नाम छोड़ के किसी और को मंडेट मिलेगा, उसके लिए मैं 5 करोड़ रुपया लगा लूंगा। अब वो मैदान पे आके लड़ा के दिखाएं, उनको जिता के दिखाएं। ओपन चैलेंज दे रही हूँ उनको कि वो आके यहाँ पे पहले अपने मंडेट को जिताएं। 3rd नंबर पे डिस्ट्रिक्ट से था, इस बार भी उसको 3rd नंबर पे यहाँ से भेजूंगी मैं। तो आप एक चैलेंज कर रही है यहाँ।